Hello everyone, welcome to the gatelectures.com. So in today's session, I'm going to give you the whole analysis of UGC NET paper 1 and paper 2. Basically, this paper was held in today in morning shift, right? So let's give some analysis so that it will help you, those who give the exam tomorrow, okay? The first one is, the first thing I want to tell you that paper कल भी हुए थे कुछ पेपर कुछ अलग स्ट्रीम्स के तो कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि क्वेश्चंस जैसे कि पहले यूजीसी नेट के पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते थे पेपर वन में कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस रहती थी ऑलमोस्ट जैसे कि फाइव क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड से आए रिसर्च एप्टीट्यूड से फाइव क्वेश्चंस आए देन कम्युनिकेशन से फाइव क्वेश्चंस आए तो दे सेड कि ऐसा नहीं हुआ कि कुछ जैसे कि टीचिंग और रिसर्च से अगर आ गया तो सिर्फ यू कैन से हायर एजुकेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया या फिर पीपल एंड एनवायरमेंट से एक ही क्वेश्चन आया बट इन दिस पेपर जो पेपर आज मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है इस शिफ्ट में मोस्टली जो यू कैन से दैट कि क्वेश्चंस की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो टॉपिक ओरिएंटेड थी मतलब अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से अगर कुछ क्वेश्चंस लेट सपोज थ्री और फोर क्वेश्चंस आए हैं तो रिसर्च एप्टीट्यूड से भी आए हैं पीपल इन्वायरमेंट से भी आए हैं और यू कैन से हायर एजुकेशन से भी उतने ही क्वेश्चंस आए हैं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की थी तो ये एक तरह से एडवांटेज भी थी जिन्होंने सारी ही यू कैन से सारी ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है एंड कुछ डिसएडवांटेज भी थी जिन्होंने अगर कोई टॉपिक अगर उन्हें इस वजह से कोई छोड़ा हुआ था ठीक है तो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से एरिया से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं और कितने क्वेश्चंस आए हैं There's a good news for everyone that we are launching live classes for UGC NET Computer Science exam preparation. So it is UGC NET Plus as it says. You can clear your doubts instantaneously. So if you want to enroll for this UGC NET Plus course, then you can call us on the contact numbers given below. If you want to download the presentation PPT that is used in this video, then you can go to our website which is www.digimentor.com. Do not forget to check out the live classes section and the courses section. तो सबसे पहले learner characteristics पे एक question आया था आज के test में and method of teaching and evaluation system पे भी एक question आया था जैसे कि formative evaluation, right? So ये I think this is very important क्योंकि कल के exam में भी ये question पूछा गया था कि formative इवेल्युएशन क्या है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक बार आप रिवाइज कर लेना एंड लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक दो क्वेश्चंस और थे रिलेटेड टू दिस एरिया टीचिंग एप्टीट्यूड नाउ द नेक्स्ट वन इज रिसर्च एप्टीट्यूड से भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी आए थे तो जैसे कि कॉन्फ्रेंस पे एक क्वेश्चन आया था रिसर्च एथिक्स पे कल क्वेश्चन पूछा गया था राइट मेथड ऑफ रिसर्च पे क्वेश्चंस थे राइट सो इन दिस वे थ्री और फोर क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम दिस एरिया नाउ द नेक्स्ट वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लिसन दिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज वेरी इजी द टॉपिक इज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज डिजिटल टेक्नोलॉजी दिस इज द टॉपिक इन टूडेज एग्जाम एंड इट्स वेरी इजी You can say it's very easy comprehension. So, but there is one difficulty that कि अगर एक साइड में आपके comprehension था और एक साइड में question था, ठीक है? तो जैसे ही आपको बार-बार क्या करना पड़ रहा था, एक line को अगर आपको पढ़ने के लिए बार-बार cursor से उसे move करना पड़ रहा था, तो it will take time, right? But it is very easy. So this area is covered. Now the next one is communication. Communication से भी number of questions आए थे moderate level के थे but 4 to 5 question you can say that इस area से भी आए थे effective classroom communication से questions ज़्यादा थे. Now the next one is reasoning. So reasoning से भी questions थे जैसे कि number series से questions थे 1 to 2 questions number series से थे then you can say alphabets कि जो जंबल्ड है उनसे क्वेश्चंस थे रिलेशनशिप से क्वेश्चंस थे कि एक क्वेश्चन रिलेशनशिप से था कि यू कैन से ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था नाउ दिस वन इज लॉजिकल रीजनिंग से भी सो मेनी क्वेश्चंस कम्स लाइक इन एनालिटिक रीजनिंग क्या होती है
एंड डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग से भी क्वेश्चंस थे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ओके, सो जाने से पहले एक बार आप इसका रिव्यू ले लेना. वेन डायग्राम से भी क्वेश्चंस थे, राइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन इज वेरी वेरी इजी. आज के पेपर में बहुत ज्यादा इजी डेटा इंटरप्रिटेशन थी. कुछ इस तरह से थी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन थे, फिर जो एग्जाम में पास हुए हैं स्टूडेंट्स वो थे, फेल हुए एग्जाम उनकी लिस्ट थी, एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स ऑलरेडी गिवन. सो इनके बीच में क्या था कि कुछ डेटा उन्होंने दिया हुआ था, कुछ मिसिंग था, तो आपको मिसिंग वैल्यूज को निकाल के कुछ एवरेजेस निकालने थे, कुछ परसेंटेज निकालने. तो इस तरह के बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे डेटा इंटरप्रिटेशन से. और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 3 or 4 क्वेश्चन थे, जैसे कि PDF की फुल फॉर्म क्या है, DNS की फुल फॉर्म क्या है, मॉडेम की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं. तो इस तरह के क्वेश्चंस इस एरिया से पूछे गए थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज पीपल एंड एनवायरमेंट. पीपल एंड एनवायरमेंट से क्वेश्चन भी आए थे, और वो मोस्टली क्या थे कि कुछ करंट अफेयर्स थे, एंड कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि जैसे सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हमें रिमूव करना है तो हमें किस तरह की प्लांटेशन करनी चाहिए. कुछ इस तरह के क्वेश्चंस इस एरिया से हमारे आए थे. ओके, एंड द लास्ट वन इज हायर एजुकेशन. राइट, हायर एजुकेशन से भी क्वेश्चंस हमारे 3 to 4 इट्स लाइक 2 or 3 क्वेश्चंस हमारे इस एरिया से भी आए थे. जैसे कि एक क्वेश्चन था कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई थी. तो ये सब क्वेश्चंस थे इन पेपर 1. एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि फॉर पेपर 1 आवर इज मोर देन सफिशिएंट, बिकॉज पेपर बहुत इजी है. अगर आप इसे करोगे तो 5 to 10 मिनट्स वो पहले ही हो जाएगा. सो डोंट वरी अबाउट द टाइम, सो जस्ट डू इट. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पेपर 2 कंप्यूटर एंड साइंस. राइट, तो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट DBMS. सो DBMS से भी क्वेश्चंस 4 to 5 क्वेश्चंस इस एरिया से स्पेसिफिकली पूछे गए थे. जैसे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी पे क्वेश्चन था कि आपको यू हैव टू फाइंड आउट द कैंडिडेट की. SQL क्वेरी पे एक क्वेश्चन था. SQL की कमांड के ऊपर एक क्वेश्चन था, जैसे कि ड्रॉप कमांड के ऊपर एक क्वेश्चन था. एंड यू कैन से क्लस्टरिंग इंडेक्सिंग के ऊपर क्वेश्चन था रिलेटेड टू क्लस्टरिंग. ठीक है, कि इसमें नॉन की और ये ऑर्डर होता है या नहीं. तो इस तरह के क्वेश्चन DBMS में. हाँ, एक क्वेश्चन और था ट्रांजेक्शन के ऊपर. ठीक है, ट्रांजेक्शन एरिया से एक क्वेश्चन ये आया था. सो दीज आर द क्वेश्चंस फॉर दिस सब्जेक्ट. नाउ द DBMS इज कंप्लीट. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाइलर. कंपाइलर से भी 4 to 5 क्वेश्चन दे आस्क्ड, लाइक लूप वेरिएशंस, LR पार्सर और LL पार्सर के रिलेटेड क्वेश्चंस थे. ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट TOC, तो TOC से क्वेश्चंस लाइक डिसाइडेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे. एंड जैसे कि मेंबरशिप प्रॉब्लम्स के ऊपर क्वेश्चंस थे. ये था कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस थे. तो 5 to 6 आई कैन से कि इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए थे. नाउ द नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम से 6 to 7 क्वेश्चंस दे आस्क्ड, लाइक पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी से क्वेश्चंस आए थे, डेडलॉक से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन रीडर एंड राइटर प्रॉब्लम से आया था, एक क्वेश्चन क्रिटिकल सेक्शन म्यूचुअल एक्सक्लूजन जो है क्रिटिकल सेक्शन से प्रॉब्लम से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन राउंड एंड रॉबिन स्केड्यूलिंग से आया था. राइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो दीज आर द ओके, फर्स्ट टॉक अबाउट द कोर सब्जेक्ट्स. राइट, सो दिस इज डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से ग्राफ थ्योरी से 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे. राइट, प्रोबेबिलिटी से 2 or 3 क्वेश्चंस दे आस्क्ड. ओके, नाउ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आई मस्ट से कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज उन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमाइजेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन से उन्होंने पूछे थे. एंड एक क्वेश्चन लॉजिक गेट के ऊपर था, और एक क्वेश्चन था फ्लोटिंग पॉइंट
expression, right? Floating point conversion से एक question इसमें था. फिर है computer architect काओ. So इससे question थे in a cache hit वाले area से एक question था. And they asked some few questions also. I don't remember it. And software engineering से भी questions थे, जैसे कि perfective maintenance क्या होती है. ठीक है, एक question ये था. Software engineering से re-engineering क्या होती है, इससे इसके related एक question था. ठीक है, software model के ऊपर एक question था. तो इस तरह से 4 to 5 questions software engineering से थे. लास्ट ईयर से और इस ईयर का अगर मैं एनालिसिस करूं, तो लास्ट ईयर में क्या था कि जो यूजीसी नेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एडिशनल सब्जेक्ट्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, और इस तरह से जैसे जो छोटे छोटे टॉपिक्स है, जैसे डेटा वेयर हाउसिंग है इस तरह से, और HTML है, तो इनसे क्वेश्चंस कम पूछे गए थे लास्ट ईयर. राइट, ज्यादा फोकस उनका क्या था, जो गेट के कोर सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस था. बट इस बार क्या हुआ कि उन्होंने एक इक्वली उन्होंने फोकस रखा है, जैसे कि जो एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी 3 to 4 उन्होंने क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, कंप्यूटर ग्राफिक्स से भी उन्होंने 3 to 4 2 to 3 क्वेश्चन उन्होंने कंप्यूटर ग्राफिक्स से पूछे, एंड डेटा वेयर हाउस से भी उन्होंने 2 क्वेश्चंस उन्होंने पूछे. तो इस तरह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. राइट, सो जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो आउट ऑफ सिलेबस हो, बट हाँ उन्होंने सारे टॉपिक्स को कवर करने की इसमें कोशिश की है, एज कम्पेयर टू की लास्ट एग्जाम जो हुआ था जुलाई में, उसमें ज्यादा उन्होंने फोकस को कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन नहीं आया था. लीनियर प्रोग्रामिंग से भी इस बार क्वेश्चन आया है, जो कि डुअलिटी के ऊपर उन्होंने पूछा था. ओके, सो दिस इज द होल एनालिसिस ऑफ यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस पेपर इन अ मॉर्निंग शिफ्ट. राइट, सो पेपर इज इन बिटवीन, यू नो द पेपर 2 इज क्वाइट लेंथी, बट इट इज, यू नो, इट इज बिटवीन द सिंपल एंड मॉडरेट लेवल. द लेवल इज सिंपल एंड मॉडरेट, इट्स नॉट डिफिकल्ट लेवल, सो यू कैन इजिली अटेम्प्ट इट. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप दिस एनालिसिस विल हेल्प यू अलॉट. So thank you so much and best of luck for your exam.